कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। अब तक 300 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया जा चुका है। इस बीच सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में जब्त संपत्ति और कैश का ईडी, सीबीआई या आईटी करती क्या है, ये पैसा कहां और किसके पास जाता है, आइए बताते हैं। कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके मुताबिक छापेमारी में जब्त रुपए या पैसे ईडी, सीबीआई या आईटी डिपार्टमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के पास से कैश बरामद हुआ है, यदि वो कैश या संपत्ति का सबूत या सोर्स बता दे तो छापेमारी में जब्त हर चीज वापस करके मामले से बरी कर दिया जाता है। अगर बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया है और उस पर टैक्स भी अदा किया गया है तो सब कुछ वापस मिल जाएगा, लेकिन टैक्स नहीं दिया है तो टोटल कैश का 60% टैक्स काट कर ही नकदी वापस की जाती है। छापेमारी के बाद इनकम टैक्स विभाग सारा पैसा जब्त करके नोटिस भेजता है। सोर्स ना बताने पर 137% तक जुर्माना भरना पड़ता है और आपराधिक धाराओं के तहत केस भी दर्ज होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के मुताबिक यदि छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में कैश जब्त हो जाए तो मौके पर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अधिकारियों को बुलाया जाता है। छापेमारी में जब्त कैश की बकायदा गिनती होती है। 500, 200 या 100 रुपए के एक एक नोट का हिसाब और कुल संख्या ईडी के मेमो में लिखी जाती है। छापेमारी से हर चीज की जानकारी रखने वाले एक गवाह को तैयार करते हैं और घटनास्थल से सारा कैश बॉक्सेस में पैक करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद ईडी के खाते में जमा हो जाता है। तो समझे आप जब्त किया हुआ पैसा कहाँ और किसके पास जाता है। और वैसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस पर।